मेरे बाऊजी को लेक्चर देना बंद करो क्योंकि ये घर हमारा है तुम्हारे सास ससुर का नहीं जो इतनी जबान चल रही है तुम्हारी एक शब्द अगर तुम और तुम्हारी माँ ने कहा तो दोनों को इस घर से उठाकर बाहर फेंकवा दूंगा ओए लंगूर बताऊं तुझे बस बिन बुलाए बाराती को भी गुस्सा आता है मेरी बीवी और मेरी माँ से इस लहजे में बात की ना तो मुझे आपके लेवल पे उतरना पड़ेगा और अगर मैं आपके लेवल पे उतर गया ना तो घर किसी का भी हो इनके साथ मैं किसी भी तरह की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं करूंगा छोटा है ना मुझसे तो छोटा बनकर रहे अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है और अगर तू कुछ कर सकता है ना तो अपनी सास और अपनी बीवी दोनों को कंट्रोल में रख और जब मैनू कोई एतराज नहीं अपने बाऊजी की शादी से तो इन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे बाऊजी का घर बसता देखकर चेरी भैया प्रॉब्लम हमें ताऊजी के घर बसने से नहीं है प्रॉब्लम हमें इनसे मैं और माँ ने बहुत सालों से जानते हैं कि कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकती ये सिर्फ अपने आप से प्यार करती हैं ताऊजी अनीता आंटी बहुत सेल्फिश हैं इन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है और ये सिर्फ आपको यूज कर रही हैं आप समझने की कोशिश कीजिए बस ट्विंकल बस मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं यहाँ ये सोच कर आई थी कि ये मेरा अपना परिवार है पर अगर आप लोगों को मुझसे इतनी ज्यादा नफरत है तो मैं भी यहाँ और नहीं रुकना चाहती सुरजीत जी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके घर में इतनी प्रॉब्लम्स हो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मुझे जाने दीजिए मैंने कहा ना अनीता जी आप कहीं नहीं जाएंगी और अगर किसी को मेरी होने वाली पत्नी से तकलीफ है तो बेशक वो ये घर छोड़ के जा सकते हैं और तू एक बात कान खोल के सुन ले तो तेरे ये तेवर अपने सास ससुर को दिखाना एक बार और अनीता जी के खिलाफ अपना मुंह खोलाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा इस घर की तू छोटी बहू है छोटी ही बन के रह चुपचाप सर झुका कर समझी दाऊ जी आप घर के बड़े हैं कोई क्यों चाहेगा कि आप खुश ना रहें हम सब बस इतना कह रहे हैं आपसे कि जिससे आप शादी कर रहे हैं जिंदगी का इतना बड़ा स्टेप उठा रहे हैं कम से कम उन्हें समझ तो लीजिए ये और इनका बेटा भरोसे के लायक नहीं है जितनी बार इन पे भरोसा करने की कोशिश की ना हमेशा धोखा ही खाया बदले में ऐसे में सब कुछ जानते हुए कैसे आपको खाई में गिरने दे सकते हैं ताऊ जी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आपको अंदाजा भी नहीं है ताऊ जी क्या नहीं किया है इन्होंने किस हद तक गिर चुके हैं ये लोग ट्विंकल और उसके परिवार को परेशान करने के लिए सिर्फ अपना बदला लेने के चल यार मुझ मान लिया कि तू जो कुछ भी कह रहा है सही कह रहा है बहुत बुरी अनीता जी और तेरे ससुराल वालों के साथ उनकी बहुत पुरानी दुश्मनी बेटा मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूं कि इसमें मैं क्या करूं मुझे तो सिर्फ अनीता जी के प्यार से और अपनी जिंदगी से मतलब है अब तेरी बीवी के लिए और तेरे ससुराल वालों के लिए क्या मैं अपने प्यार की कुर्बानी दे दूं बड़े मतलबी हो तुम लोग दिखा दिया बेटा तूने दिखा दिया कि तू मनोहर सरना का ही बेटा है मतलबी बाप का मतलबी बेटा भाई साहब देखिए मैं जानती हूं आपके मामलों में दखल देने का मेरा कोई हक नहीं बनता लेकिन एक बार सिर्फ एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए
ये औरत आपको बेवकूफ बना रही है। मैं इसके रग रग से वाकिफ हूँ। मुझसे एक पुरानी गलतफहमी का बदला लेने के फिराक में है। सिर्फ इस वास्ते इस घर में आना चाहती है ताकि मेरी बेटी से उस बात का बदला ले सके। अरे आप नहीं जानते, इसके बेटे यूवी ने कुंज को मारने तक की कोशिश की थी और धोखे से मेरी बेटी से शादी करने की भी कोशिश की थी। ये दोनों माँ बेटे, बस कर लीला, बस कर। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तू क्या करना चाहती है। वही जो तूने बरसों पहले किया था। तूने मुझसे मेरा प्यार, मेरा सुहाग छीना था। आज भी तू वही करना चाहती है। करना चाहती हूँ मैं वो। नहीं छीना था मैंने तेरा सुहाग तुझसे। अब तो ये इल्जाम लगाना बंद कर तू, क्योंकि ये सब झूठ है। जब तक तेरा बदला मुझ तक था ना, तब तक ठीक था। लेकिन तू तो ट्विंकल की जिंदगी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। रब से डर अनीता। अच्छा तो तुझे ये लगता है कि मैं ट्विंकल की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ? ट्विंकल की जिंदगी अगर मुझे बर्बाद करनी ही होती लीला, तो मैं कब की कर चुकी होती। बहुत रास्ते थे मेरे पास, और मैं उसकी शादीशुदा लाइफ क्यों खराब करना चाहूंगी, जबकि मैं खुद शादी पे इतना विश्वास रखती हूँ कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी मैं इस पवित्र बंधन में फिर से बनने को तैयार हूँ। अनीता आंटी, प्यार एक बहुत खूबसूरत एहसास होता है जो सिर्फ नसीब वालों को मिलता है, और वो लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जिनकी शादी उनसे होती है जिनसे वो प्यार करते हैं। बट आई एम सॉरी टू से आंटी, आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं। इतनी कड़वाहट और इतना अकेलापन भर गया ना आपके अंदर कि आप दूसरों को खुश देख ही नहीं सकते। आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों की खुशियों में जहर घोलना चाहती हैं। ओ यार बस करो, सब बहुत हो गया, बहुत झेलिया माँ बेटी की ये पंचायत। अनीता जी के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनने वाला मैं। पेपे, अब तक आपका लिहाज करके मैं चुप था, लेकिन अब और नहीं, झेल नहीं सकता इस माँ बेटी की बक बक को। सब लोग कान खोल के सुन लो, कल मेरी सगाई अनीता जी के साथ होकर रहेगी। बस मेरा लिहाज है ना, तेनू मेरी गल सुन, जज्बात से नहीं, ठंडे दिमाग से गल सुन। अपना दिमाग इस्तेमाल कर। इतने सालों से अनीता लीला जी के परिवार से नफरत कर दी आई है। तूने सुना ना लीला जी ने क्या कहा? अरे तू ये छोड़, ये तो मानेगा कि पलक झपकते इस औरत को तुझसे इतना गहरा प्यार हो गया? इसका सारा प्लान है, इसकी सारी कोशिश इस घर में आने की, क्योंकि लीला जी की कुड़ी ट्विंकल इस घर में भी आई है। अरे मुझे पक्का यकीन है कि इसका मकसद इस शादी के पीछे प्यार नहीं, कुछ और है। वाह बेबे वाह, हैं? अब आप सिखाओगी प्यार क्या होता है? अरे आपने जिंदगी में कभी किसी से प्यार किया? शादी तक नहीं हुई आपकी बेबे, जिस बंधन में खुद कभी नहीं बंधी उसके बारे में आपको क्या पता? और चलिए हमें समझा दे। पेपे, मैंने तो ऐ लगता है कि आपसे हमारी खुशी देखी नहीं जा रही। बस करिए भाई साहब। आपको पता है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये बेबे, इन्होंने जिंदगी भर तकलीफें सही पर हमारी देखभाल की, और आज एक पराई औरत आ गई तो आपने इनसे ऐसी बात करनी चाहिए? भाई साहब, मैं तो सिर्फ घर छोड़ा था, आपने ना, आपने आज मर्यादा लांग ली है। तो चुप कर मोनू, मेरे टुकड़ों पे पल रहा है तो तू चुप रहेगा तो तेरे लिए यही अच्छा है। नहीं तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? बेबी की इज्जत तो कर नहीं सकते, तो क्या आज मुझ पे हाथ उठाएंगे? भाई उठाइए मोनू। बस कर सुरजीत, बस कर। इस औरत के लिए तूने आज अपने बेबे का मान नहीं रखा, इस औरत के लिए तूने अपने छोटे भाई से
हाथ उठाया। तेरू व्याह करना है ना, जा कर ले। लेकिन एक गल याद रखी, तेरे इस व्याह में मैंने तेरा साथ नहीं देना। कर जो करना है, लेकिन तेनू मेरा कभी आशीर्वाद नहीं मिलेगा, कभी आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ठीक है बेबे, और सब कान खोल के सुन लो, कल मैं ये सगाई करके रहूंगा। चलो अनिता जी। ये सब क्या हो रहा है और क्यों? जो भी हो रहा है नहीं होना चाहिए था। प्यार होती है ऐसी चीज है, लोगों को सही और गलत का फर्क दिखना बंद हो जाता है। कुछ पुत्र, अब क्या होगा? वो अनिता इसी घर में रहेगी, इस छत के नीचे तुम लोगों के साथ? अरे वो कोई मौका नहीं छोड़ेगी तेनू और ट्विंकल नू परेशान करने वास्ते। मैनू पता है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। उसका मुंडा युवराज, मैनू बहुत घबराहट हो रही है। मैनू तुझ पर यकीन है, लेकिन उस अनिता पर कते नहीं है। मां, रमन, हमें चलना चाहिए। बेबी चाय। बेबी मुझे मालूम है आपको ताऊ जी की बातों का बहुत बुरा लगा, लेकिन ताऊ जी ने वो सारी बातें सिर्फ गुस्से में कही हैं। मैं मानती हूँ कि ताऊ जी मम्मी जी पापा जी से नफरत करते हैं, वो मुझे भी नापसंद करते हैं, लेकिन वो आपकी बेहद इज्जत करते हैं और ये उनकी आंखों में दिखता है। देखना, वो आपसे माफी मांगने जरूर आएंगे। बेबे मैं इस घर की छोटी हूँ और मुझे बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बेबे आज मैं चुप नहीं रह सकती थी। मैं नीता आंटी को बचपन से जानती हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि वो ताऊ जी का फायदा उठा रही है। बाहर जा, मैनू बेबे नाल कुछ गल करनी है। बेबे मैनू माफ कर दे, मैंने पता है कि आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेबे ये जुत्ती मेरे सर पे मार ले, लेकिन मैंने आशीर्वाद दे दे। अनिता जी बुरी नहीं है, उसने पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था उसके और तनेजा परिवार की दुश्मनी के बारे में। वो मुझसे सच्चा प्यार करती है बेबे, वो मुझसे शादी सिर्फ मेरी वजह से कर रही है, अपने बदले के लिए नहीं। एक तो वो ट्विंकल और उसकी मां ने बोल बोल के मेरा दिमाग फिरा दिया था, क्या सबूत है उनके पास? और बेबे आपने भी हमेशा इंसाफ सबूत के दम पे किया है, तो फिर आज आपने बिना सबूत के मेरे खिलाफ इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया बेबे? माफ कर दे। देख बेबे,
जब तक आप मुझे माफ नहीं करोगे, आशीर्वाद नहीं दोगे, मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकता। आपको तो मालूम है बेबे कि चेरी जब 6 महीने का था तो मेरी पहली वोटी अपने यार के साथ भाग गई। तब से प्यार, मोहब्बत, शादी ब्याह से मेरा विश्वास ही उठ गया। लेकिन अनीता जी से मिलने के बाद मैनू ऐसा लगता है कि मैं एक नई जिंदगी शुरू कर सकता हूँ, वो सब पीछे छोड़ सकता हूँ। सारी जिंदगी मैं अकेले जिया हूँ, मैं अकेले मरना नहीं चाहता बेबे। और अकेलेपन को आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है बेबे? क्या अब भी माफ नहीं कर अपने छोटे भाई को? तू मेरा छोटा भरा है, मेरा काका है। ऐसा नहीं है कि मैनू तेरी खुशियां की परवाह नहीं, लेकिन अनीता और तेरे रिश्ते नू लेके मैं खुश नहीं हूं। और मैं तेरी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करूंगी। अगर तेनू लगता है कि अनीता सही है और वो तेरा कल्लापन दूर कर देगी, तो ठीक है काके, तेरे इस फैसले को मैं स्वीकारती। रब करे तू सही हो, अनीता तेनू हमेशा खुश रखे। जी दीदी जी, ये तो बहुत बिग वाली शॉकिंग न्यूज़ है। हैं? आपकी वर्स्ट एनिमी अनीता अब ट्विंकल की ताई सास मीनिंग सुपर मदर इन लॉ बनने वाली है। ओहो हो, हमसे उषा जी तो हैंडल होती नहीं, अभी अनीता कहां से आ गई? आई एम टेलिंग यू दीदी जी, अनीता ना ट्विंकल के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस बनने वाली है। अपनी आपकी वाली दुश्मनी को, उस सारी फ्रस्ट्रेशन को ट्विंकल पे तो निकालेगी, और किस पे? आप सोचो दीदी जी, एक नेबर बनके आपको इतना परेशान करती थी, अब वन हाउस में वन रूफ के नीचे सब टुगेदर टुगेदर साथ में अपने यूवी को ले आई तो ओ, यूवी अपने होम में अलोन अलोन तो रहने से रह गया, और वो शिफ्ट हो गया अगर सरना मेंशन में, तो थिंक करो दीदी जी, कुंज एंड ट्विंकल एंड यूवी साथ साथ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अयो रब्बा, कैसे रहेगी मेरी ट्विंकल उन लोगों के बीच में? वाहे गुरु जी, और कितनी परीक्षा लोगे मेरी ट्विंकल की? आप बस भी कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। ट्विंकल बेबी, मेरा बच्चा मैं जानती हूं तो क्या सोचती है, यही ना कि मैं बहुत बुरी हूं, पर मैं इतनी बुरी भी नहीं हूं ट्विंकल। तू आफ्टर ऑल मुझे हॉस्पिटल लेकर गई है, अगर तू मुझे हॉस्पिटल ना लेके गई होती तो मेरी तो स्टोरी का दी एंड ही होना था ना, तो मैं तेरा बुरा कैसे चाह सकती हूँ बेटा? मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ, और मुझे सुरजीत जी जैसा अच्छा जीवन साथी भी मिल गया है। तू भी सारी बातें भूल जाना पुरानी, और इसमें मेरा सपोर्ट कर। आई एम श्योर यू विल सपोर्ट मी। अच्छा प्लीज ट्रस्ट मी ट्विंकल, तू भी सारी पुरानी बातें भूल जा। ओके okay?
मेरा शक सही था। एक बार के लिए तो मुझे लगा कि मैं आप पर विश्वास कर लूं, लेकिन मैं भूल गई थी कि आप तो अनीता लूथरा हैं, भरोसे के लायक है ही नहीं। लेकिन मैं भी इस घर की बहू और अपने परिवार की रक्षा करना मेरा फर्ज है। मैं आपका बुरा साया अपने घर पर नहीं पड़ने दूंगी। तो सही थी ट्विंकल, मेरा इस घर में घुसने का बस एक ही मकसद है और वो है तेरी जिंदगी बर्बाद करना, बिल्कुल वैसे जैसे तेरी माँ ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। और मैं अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ताऊ जी से आपकी शादी क्या, मैं तो सगाई भी नहीं होने दूंगी। तो कुछ नहीं कर सकती ट्विंकल, ये सगाई तो होके ही रहेगी और मैं शादी करके इस घर में तेरी ताई सास बन के आऊंगी और फिर तू देख मैं कैसे तेरा बैंड बजाती हूँ।